सीधी के तरीके से जो उपबंध शामिल किए गए हैं उसमें। नमस्कार दोस्तों, रीएचपी सिम प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त हम लोग नीति निर्देशक तत्वों के टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और इसके पूर्व में दो क्लास लिए जा चुके हैं और यह क्लास इसका अंतिम भाग के रूप में निर्धारित किया गया है। तो पूर्व में हमने अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में जो भी संवैधानिक प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में किया गया था उसका अनुच्छेद वार हमने अध्ययन किया और उसमें विभिन्न प्रकार के पहलुओं के संदर्भ में चर्चा किया। तो अभी हम उन अनुच्छेदों पर जो भी संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों के बाद कुछ ऐसे सवाल बनते हैं, कुछ ऐसे समझ हैं, कुछ आलोचनाएं हैं जिसको यहां पर कवर करेंगे, जिससे न केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि समय समय पर मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित जो भी सवाल पूछे जाते हैं उस पर आपकी एक दृष्टिकोण विकसित हो सके और उन सवालों को हल करने में परीक्षा के दौरान आप लोगों को आसानी हो सके, आप लोगों को मदद मिल सके। तो यहाँ पर कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि नीति निर्देशक तत्वों को हम लोगों ने देखा था कि ये भाग चार के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन है वो भाग चार में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे निर्देश हैं जो राज्य और सरकारों के लिए संविधान के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों के रूप में दिए गए हैं लेकिन वो भाग चार में नहीं दिए गए हैं, उससे बाहर दिए गए हैं। तो हम उन लोग प्रावधानों को भी, उन निर्देशों को भी यहाँ पे अध्ययन करने का और देखने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः ये सवाल उठ सकता है कि क्या भाग चार के बाहर नीति निर्देशक तत्वों का कोई प्रावधान नहीं किया गया है? तो निश्चित तौर पर भाग चार से बाहर ही नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। जैसे एससी और एसटी के संदर्भ में, एससी और एसटी के संदर्भ में कहा गया है कि केंद्र और राज्य की सेवाओं में इनके दावे पर विचार किया जाएगा। हालांकि इसके लिए यह भी बात कही गई है कि प्रशासनिक दक्षता के जरूरत को ध्यान में रखते हुए, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशासन की दक्षता बनी रहे और इनको वहां पर नियोजित करने का, इनको प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जाएगा। यह विशेष प्रकार के वर्गों के लिए जो कुछ प्रावधान किए गए हैं उसके अंतर्गत इस तरीके के जो है निर्देश दिए गए हैं। इसी तरीके से अनुच्छेद 350 का के अंतर्गत, 350 का के अंतर्गत यह निर्देश दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने का राज्य प्रयास करेगा। यहाँ पर तीन बातें स्पष्ट होती हैं, एक तो अल्पसंख्यकों के लिए एक कहा गया है और दूसरा कहा गया है कि ये प्राथमिक स्तर की इनकी जो शिक्षा है, और तीसरी बात इसमें कही गई है कि ये मातृभाषा में देने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा अपने प्रयास के अंतर्गत। यह व्यवस्था 350 के अंतर्गत कही गई है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे निर्देश हैं जो भाग चार के बाहर भी राज्यों के लिए है और सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि आने वाले समय में अपने सामर्थ्य और संसाधनों के भीतर इन सभी उद्देश्यों को, इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करे। इसी तरीके से 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार इत्यादि पर बल दिया गया है ताकि भारत की समरसता और भारत की संस्कृति का यह माध्यम बन सके। क्या बन सके? हिंदी भाषा, जिसे अनुच्छेद 351 के माध्यम से प्रसारित करने के लिए राज्य से अपेक्षा की गई है और सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वो इसे क्रियान्वित करने का प्रयास करे। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि केवल भाग चार में ही नहीं बल्कि भाग चार से बाहर भी कुछ अपेक्षाएं सरकार और राज्य से किया गया है, जिसे राज्य और सरकार को समय समय पर अपने संसाधनों के दायरे में रहते हुए पूरा करना चाहिए। तो इस तरीके से भाग चार के बाहर भी कुछ निदेशक तत्वों के प्रावधान किए गए हैं। अगला पॉइंट इसमें निर्धारित किया गया नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। चूंकि 36 से 51 के बीच में जो भी प्रावधान है अलग अलग विषयों से है, कोई शिक्षा से है, कोई उद्योगों से है, पर्यावरण से है, पशुपालन से, तो सभी के संदर्भ में जो व्यवस्थाएं की गई हैं और जो अपेक्षाएं की गई हैं राज्य से पूरा करने के लिए उस पर समय समय पर सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते रहे हैं। जैसे अगर मान के चलिए हम कृषि को ले लेते हैं, तो कृषि के संदर्भ में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन,
जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया है। जमींदारी प्रथा का जो है उन्मूलन कर दिया गया है। इसी तरीके से सीलिंग, सीलिंग का तात्पर्य होता है कि किसी भी किसान के पास अधिकतम जोत की सीमा कितनी हो सकती है। जैसे कहने का मतलब, जमींदारी व्यवस्था में समस्त जमीन इनको दे दिया गया था और ये लगान वसूली करते थे और सरकार को देते थे, लेकिन यहां पर इनका उन्मूलन कर दिया गया और सरकार से सीधा किसानों का संबंध स्थापित हो गया। तो जमींदारी प्रथा का यहां पर पूरी तरीके से उन्मूलन कर दिया गया। किसानों की जमीन हो गई, वह खेती करते थे और मालगुजारी या लगान इत्यादि के रूप में कुछ निश्चित धनराशि को जमा करते थे। और सीलिंग के अंतर्गत जहां पर इसे समाप्त किया गया, वहीं पर सीलिंग की व्यवस्था की गई कि एक किसान के पास जो कि खेती बाड़ी का कार्य कर रहा है, उसके पास एक निश्चित सीमा में ही कृषि होना चाहिए, कृषि भूमि होना चाहिए। तो इसकी सीमा जो है 18 एकड़ निर्धारित कर दिया गया। इसी तरीके से जो असिंचित भूमि थी उस पे 27 एकड़, मतलब जो आंशिक रूप से सिंचित भूमि थी उस पे 27 एकड़, जो असिंचित भूमि थी उस पे 54 एकड़ की सीमा निर्धारित कर दी गई। एक व्यक्ति, एक कृषक के नाम पर इतनी जमीनें हो सकती थी। तो इस तरीके से सीलिंग व्यवस्था लागू की गई। ये कहीं ना कहीं जो भी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निर्देश जारी किए गए थे उसके क्रियान्वयन के रूप में ये सारे कानून बनाए गए। इसी में आप देखेंगे कि चकबंदी, चकबंदी भूमि सुधार का एक ऐसा प्रयास था। चकबंदी भूमि सुधार के अंतर्गत एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें एक किसान के बिखरे हुए भूमि को एक स्थान पर लाने का प्रयास किया जाता था, या दूर की जमीन को, जोत की जो भूभाग थी उसको नजदीक लाने का प्रयास किया गया, ताकि किसानों को सुविधा हो सके अपने कृषि यंत्रों के माध्यम से कृषि कार्य, खेती बाड़ी इत्यादि का कार्य संपन्न कर सके, उनमें किसी भी प्रकार की बाधा ना हो। तो इस तरीके से कई प्रकार कार्य के जो है इसके रूप में किए गए। इसमें मजदूर वर्ग जो था, जैसे अनुच्छेद 43 के अंतर्गत ये बताया गया था कि श्रमिकों के लिए जो है व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसमें न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया गया। पूर्व में भी हम लोगों ने चर्चा किया था, न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम 1948 बनाया गया था। इसी तरीके से ठेका श्रमिक था 1970 ईस्वी में बनाया गया था। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 ईस्वी में बनाया गया था। इसी तरीके से बाल श्रम निषेध की व्यवस्था की गई थी 1986 ईस्वी में। तो इस तरीके से कुछ कानून बनाए गए थे जिसके माध्यम से इन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता रहे। समय समय पर सरकार के द्वारा अलग अलग कदम उठाए जाते रहे। वनों के संदर्भ में जैसी व्यवस्था थी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1972 ईस्वी में। वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1980 ईस्वी में। जैव विविधता अधिनियम महत्वपूर्ण है, वर्तमान समय में इससे संबंधित सवाल अक्सर पूछा जाता है, 2002 में पारित किया गया। और 2003 ईस्वी में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई, जो जैव विविधता से संबंधित कानूनों की समीक्षा करता है और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए सरकार को अपने रिकमेंडेशंस प्रस्तुत करता है। तो ये वन के संदर्भ में इस तरीके की बातें कही गई। अगर रोजगार के संदर्भ में देखा जाए तो मनरेगा जैसे कार्यक्रम चलाए गए जिसमें लोगों को रोजगार की गारंटी प्रदान की गई, और यह भी बताया गया कि अगर एक निश्चित समय के अंतर्गत उनको रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें रोजगार बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। इस तरीके से मनरेगा जैसे कार्यक्रम चलाए गए, मनरेगा जैसा कार्यक्रम चलाया गया जिसके माध्यम से बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया गया और रोजगार की गारंटी यहां पर देने की कोशिश की गई। इसी तरीके से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 2013 के अंतर्गत। इसमें भी लोगों को खाद्यान्न की सुविधा उपलब्ध कराई गई। शहरी क्षेत्रों की 50% जनसंख्या और ग्रामीण क्षेत्रों की 75% जनसंख्या, यानी कि टोटल का 67% जनसंख्या को इसके दायरे में लाने का प्रयास किया गया, ताकि खाद्य असुरक्षा की
एक संवेदनशील स्थिति से निकलना संभव हो सके। तो इस तरीके से खाद्य सुरक्षा की बात कही गई। भारत निर्माण कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया, ये पांच प्रकार के बिंदुओं पर आधारित था। इसके अंतर्गत सड़क, इसके अंतर्गत भवन, पेयजल, सिंचाई और बिजली, ये महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधाएं थी जिसे भारत निर्माण के अंतर्गत शुरू किया गया था। भारत निर्माण में इसे शुरू किया गया था, भारत निर्माण के अंतर्गत शुरू किया गया था कार्यक्रम में, जिससे देश की अवसंरचनात्मक ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अवसंरचनात्मक जो ढांचे थे उसका विकास किया जाना संभव हो सके। इसी तरीके से अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नीति निर्देशक तत्वों में अपेक्षा की गई है। तो NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और NUHM यानी कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन प्रारंभ किया गया था। और इसमें एक महत्वपूर्ण जो शब्द आता है वो आशा, ये NRHM में था, और दूसरे में ऊषा, ये दोनों ही कार्य हेल्थ के क्षेत्र में एक्टिविस्ट थे, जो कार्य करते थे, यानी कि एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। और ये था अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये NRHM में था और ये NUHM के अंतर्गत कार्यकर्त्रियां थी जो स्वास्थ्य की सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती थी और स्वास्थ्य के संदर्भ में लोगों की एक सुस्त वैचारिकी को विकसित करने का प्रयास करती थी, जिससे लोग इससे जागरूक हो सके और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के कारण से अच्छे स्वास्थ्य को बना सके और अपने परिवार और समाज के साथ साथ पूरे राष्ट्र के निर्माण और विकास में अपना योगदान दे सके। तो इस तरीके से ये कार्यवाहियां की गई। इसी तरीके से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया और इसमें बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की एक त्रिस्तरीय ढांचा की स्थापना करने का इसमें प्रयास किया गया, जो कि इसमें बात नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल की गई थी। इसी तरीके से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के माध्यम से SC/ST आयोग की स्थापना की गई थी, जिसे 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से SC/ST आयोग को अलग कर दिया गया। ये था SC और ये था ST, तो इन दोनों ही आयोग को अलग कर दिया गया और इनके बेहतरी के लिए इन आयोगों को जिम्मेदारी निश्चित की गई कि यह अपने प्रयास के माध्यम से वर्तमान कानूनों की समीक्षा करेंगे, इनके बेहतरी के लिए कानून बनाने की अपनी अनुशंसा सरकार को रिपोर्ट के रूप में करते रहेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि स्वतंत्रता के बाद से भूमि, पारिश्रमिक, वन, स्वास्थ्य, विशेष प्रकार के वर्गों के लिए जो प्रावधान था, इसी तरीके से विधिक सेवा के लिए प्रावधान था, स्वास्थ्य के लिए था और संरचनात्मक ढांचे के लिए था। इन सभी क्षेत्रों में सरकार के द्वारा रेगुलर प्रयास किया जा रहा है ताकि नीति निर्देशक तत्वों की बातों को व्यवहार में क्रियान्वित किया जा सके। तो यहाँ पर एक व्यापक व्यवस्थाएं आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से क्रियान्वित किया गया। फिर भी यहाँ पर यह सवाल उत्पन्न होता है कि क्या नीति निदेशक तत्वों को क्रियान्वित, पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जा चुका है। तो निश्चित तौर पर अभी कई ऐसे जो प्रावधान है जिनका क्रियान्वित नहीं हो पाया है, कई ऐसे प्रावधान है जिनको सरकार करने का प्रयास कर रही है, लेकिन भारत एक विकासशील देश है जो अभी विकास के मार्ग पर अग्रसर है, इसके पास संसाधनों की एक निश्चित सीमा है, किंतु जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो आने वाले समय में इसे पूर्ण करने में कोई समस्या नहीं होगी। कुछ समस्याएं भी हैं जिनके कारण से ये पूरी तरीके से व्यवहार में क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि भारत में गरीबी है, गरीबी, बेरोजगारी, इसी तरीके से गरीबी बेरोजगारी के साथ साथ अशिक्षा है,
गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, क्षेत्रीय विषमता, आतंकवाद, खंडित राष्ट्रवाद, खंडित राष्ट्रवाद, आंतरिक असुरक्षा, आंतरिक असुरक्षा। तो इस तरीके से कुछ ऐसे समस्याएं हैं जिसके कारण से इन सभी तत्वों को क्रियान्वित करने के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। ये भी सवाल मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, जिस समय वर्तमान समय में यूपीपीएससी के सिलेबस को डिजाइन किया गया, वहां मेंस के स्तर पर एक रिटन लिखित रूप में जीएस पूछे जा रहे हैं, जैसा कि यूपीएससी में पूर्व में ही पूछा जा रहा है। तो यूपीएससी में इस तरीके के सवाल भी व्यवहारिक स्तर पर अक्सर पूछे जाते हैं और वर्तमान समय में यूपीपीएससी में भी इसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। इंटरव्यू में आपसे इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसकी आलोचना भी कई बार इस आधार पर की जाती है। तो इसके मार्ग में जो है ये समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, क्षेत्रीय विषमता, आतंकवाद, प्रायोजित आतंकवाद है, आंतरिक स्तर पर कुछ वर्गों के द्वारा लगातार अपने को स्वतंत्र करने की मांग है। तो इस तरीके से आतंकवाद की जो समस्याएं देश में व्यापक रूप से प्रचलित हैं और ये समस्याएं कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के सामने भी जो है, राष्ट्रवाद की भी जो समस्या खड़ी करती है, एकीकरण की समस्या खड़ी करती है, आंतरिक असुरक्षा है, खाद्य की असुरक्षा है, सामाजिक असुरक्षा है। तो कई प्रकार की समस्याएं हैं जो नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के मार्ग में बाधा डालती हैं। कुछ आलोचनाएं भी इसकी की गई हैं। सबसे पहली आलोचना तो यह है परिवर्तनीयता को लेकर के है, परिवर्तनीयता को लेकर के इसकी आलोचना की जाती है कि यह न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अगर इसका क्रियान्वयन सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति या समूह संगठन न्यायालय का शरण नहीं ले सकता है। इसी आधार पर इसकी आलोचना भी की गई है और नसरुद्दीन ने इसे 9 वर्ष के प्रस्ताव तक कह डाला। केशवीयर ने इसके बारे में आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा, वहीं पर केटी शाह ने इसे कर्मकांडी तक कह डाला। हालांकि ये विभिन्न प्रकार के विचारकों के द्वारा दिया गया कथन है, जो भी कई बार परीक्षा में सीधे के सीधे पूछे गए हैं। आकांक्षाओं का घोषणा पत्र केशवीयर ने जो है इसे कहा है। इसी तरीके से 9 वर्ष के प्रस्ताव नसरुद्दीन के द्वारा जो कहा गया सेंटेंस है, तो परिवर्तनीयता को लेकर के इसकी आलोचना की जाती रही है। इसी तरीके से इसकी आलोचना की जाती है कि यह टकराव का कारण बनता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही थी तो शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1952 ईस्वी में, इसी तरीके से 1967 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में न्यायालय के द्वारा इस संदर्भ में और संसद के द्वारा इस संदर्भ में अलग अलग प्रकार के जो मत व्यक्त किए जाते रहे हैं और दोनों में जो है न्यायपालिका में, संसद में, कार्यपालिका के माध्यम से एक दूसरे में टकराव भी होता रहा है। यद्यपि इसके संदर्भ में एक स्वस्थ दृष्टिकोण को विकसित करने की आवश्यकता है और सरकार तथा सरकार के सभी अंगों से अपेक्षा है कि उनका उद्देश्य, नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य को समझने का प्रयास होना चाहिए कि इसका उद्देश्य एकदम स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य जनता के कल्याण, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना है। इसका उद्देश्य कहीं कहीं उनके जीवन को बेहतर करना है। इसमें कहीं पर भी अहम का टकराव या विभिन्न प्रकार के अंगों के द्वारा अपनी शक्तियों के वर्चस्व को स्थापित करने की लड़ाई कभी भी नहीं होनी चाहिए। इन सभी की लड़ाई केवल इन सभी जनता और देश के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास होना चाहिए, अन्यथा इस स्थिति से पूरी तरीके से बदलाव किया जा सकता है, इससे हम लोग बच सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर यह आलोचना इसकी की जाती रही है। हालांकि यह आलोचनाएं अपने स्वरूप में सतही हैं, इन आलोचनाओं पर निश्चित तौर पर कोई विशेष मूल नहीं है। ये आलोचनाएं भले ही हैं परंतु भारत सरकार लगातार इस दिशा में प्रयासरत है और जिस तरीके से गरीबी, बेरोजगारी और अन्य सभी क्षेत्रों में अलग अलग योजनाएं बनाई जा रही हैं, उससे ये बात निकल करके सामने आता है कि आने वाले समय में सरकार इन सभी अपेक्षाओं को पूरा करने में सफल होगी। हमें इस आशा के साथ इसके उत्तर को उत्तर पुस्तिका में डिजाइन करना होगा। इससे संबंधित अगर सवाल पूछा जाता है कि क्या ये नीति निर्देशक तत्व अनावश्यक हैं, तो निश्चित तौर पर संविधान में जो भी व्यवस्थाएं हैं, यहां पे एक सवाल ये आ सकता है कि क्या नीति निर्देशक तत्व
अनावश्यक है। तो ऐसे सवालों का जवाब आप एक लाइन में नहीं देना है, ऐसे सवालों का जवाब ये बताना है कि भाग चार के अंतर्गत 36 से लेकर के 51 के बीच में निदेशक तत्वों का प्रावधान किया गया है, वो सभी शासन में मूलभूत है, सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, कुछ अभी ऐसे प्रावधान जिनका क्रियान्वयन नहीं हुआ है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है जो विकास के पथ पर अग्रसर है, और कुछ ऐसे प्रावधान जिनको पूरा किया गया है, और उसकी दिशा से ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में हम उन अपेक्षाओं को पूरा करने में सफल होंगे और जनता और देश के नागरिकों के जीवन में तब्दीली ला करके इन उद्देश्यों को संविधान के इस भाग के जो भावना को स्थापित करने में सफल होंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत जो भी सवाल बन सकते थे व्यवहार में, उनका हम लोगों ने यहां पर अध्ययन किया। इसके पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने संवैधानिक प्रावधान टॉपिक वाइज अनुच्छेद वाइज हम लोगों ने अध्ययन किया कि विभिन्न प्रकार के अनुच्छेदों में किस तरीके से वही जरूरी चीजें अपेक्षित हैं सरकार से, जिसे सरकार के द्वारा संविधान लागू होने के समय में तो पूरा नहीं किया जा सका, लेकिन सरकार से अपेक्षा की गई कि वो स्वतंत्रता के बाद उन अनुच्छेदों की बातों को व्यवहार में लाने का प्रयास करेगा। तो आज का ये टॉपिक यहीं तक है, हम पुनः इसमें बनने वाले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी लेंगे, जिससे परीक्षा में अब तक इससे संबंधित जो भी सवाल उत्पन्न होते रहे हैं उस पर हम लोगों का एक बहुआयामी दृष्टिकोण विकसित हो सके, उससे आने वाले क्वेश्चंस की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकें और परीक्षा में उससे संबंधित जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसे सही करके अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो आज का ये टॉपिक यहीं तक है। इस टॉपिक के साथ साथ अपने पूरे सिलेबस को और अन्य विषयों का बेहतर ढंग से आप लोग तैयारी करते रहिए पुनः एक नए क्लास में, और इसके अगले भाग यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।